लास्ट बेंच स्टैंड अप सोनोरिट गिटार एंड पियानो गिटार एंड स्कूल बेल आर मेड ऑन वेट अवाइल विच प्रॉपर्टी बाय नॉट डक्टिलिटी बाय नॉट डक्टिलिटी पियानो और गिटार की जो गिटार है दैट इज दो स्ट्रिंग्स जो है वो डक्टाइल है बाय नॉट डक्टिलिटी बाय सोनोरिटी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बच्चे इफ द ऑप्शन इज वन दैट और नो आपको गिवन है डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी बोथ गिवन है बट योर आंसर विल बी सोनोरिटी इफ द गिटार दे आर सेइंग ठीक है इफ द वन एंड टू टू एंड थ्री मल्टीपल आंसर्स हैं देन यू कैन गो विद द सोनोरिटी एंड द डक्टिलिटी बोथ बट अदरवाइज इफ द सेपरेट सेपरेट ऑप्शन देन द सोनोरिटी क्लोज इट देख ले जो करना इसका नहीं है स्टैंड अप नेम द मेटल विच कैन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस नेम मेटल्स विच रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बता दिया क्यों Why other metals do not react with the nitric acid to produce hydrogen gas? Although the property of metals react with acids, they will produce hydrogen gas. Why not all the metals they react with to produce hydrogen gas? Why not? Last. Why metals, when metals react with nitric acid, they do not produce hydrogen gas? Why? हाँ जी सॉरी यस हियर व्हाई मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हाई एक ही क्वेश्चन है आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन स्पीक लाउडर It is an oxidizing agent. That means it absorbs hydrogen. Like as the hydrogen evolves, it immediately forms the water molecules. That's why it do not produce hydrogen gas. Achha, in any case, when calcium oxide is added to water, Listen carefully. When calcium oxide is added to water, it completely dissolves in water without forming bubbles. What are the products formed in this reaction? Calcium hydroxide. Name the metal which keep on melting on our body temperature when we kept on our palm. Gallium and Which non-metal is very reactive that we have to store in water? I am saying non-metal. Phosphorus. Please keep this thing in your mind also. Non-metal which is stored in water that is phosphorus. Because when it will come in contact with air, it catches fire. ठीक है दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी हाई नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल सो दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन द वॉटर नेम द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस इन नेचर आयोडीन क्या नहीं ठीक है नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस दैट इज आयोडीन डायमंड हाँ लिग्रेफाइट एंड डायमंड वी कैन बट आयोडीन जो नॉर्मली कार्बन के आगे वो है एलोट्रॉप्स है अ स्टूडेंट एड सम एश मेटेलिक एश इन अ वॉटर इन अ टेस्ट ट्यूब ठीक है
द एश कंप्लीटली डिजॉल्व इन वॉटर एंड द सोल्यूशन चेंजेस कलर, क्या होगा? विच लिटमस पेपर? बच्चे हमने बात की मेटेलिक BMO, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू. अच्छा वैलेंसी वाला क्वेश्चन एक बार देख लो. इन एनी केस इफ इट इज गिवन लाइक दिस ई फॉर पॉजिटिव फार्मूला ई सी एल फोर बिकॉज फॉर्मेशन नहीं आएगी बिकॉज एमसीक्यू इज देयर, तो दे कैन आस्क यू द एमसीक्यू फॉर्म लाइक दे कैन से एक्स इज हैविंग अ फार्मूला राघव कैसे 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 टू टू सुन के बोल रहे हो? हाँ जी लास्ट उधर से. अच्छा फार्मूला बनाना है इसका. एक्स की हो गई टू पॉजिटिव बिकॉज इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन इट विल गेन टू द फार्मूला बिकम these kind of the questions will come. They can give you the electronic configuration. They can give you the valency. ठीक है? They can give you the electronic configuration and valency. केड़ा? Radha learns the scattering of. ये यहाँ मेरा physics का ही है. Spectrum है. This is physics. ठीक है? इज इट क्लियर? दूसरी बुक देना. एक क्वेश्चन और. इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड. द एटम इज हैविंग फ्रॉम द फॉलोइंग दिस इज कॉल्ड मेटल, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 2 3 2 to 5 4 to 6 So which one is called metal? Why so? 1 2 3 electropositive. Okay, 1 2 3 they can lose electron. 4 sharing hota hai. Okay, 1 2 3 4 3 2 1 0. जो valencies होती हैं +1 +2 +3 that is having a electropositive. These are called metals. Due to the electropositive because they will lose electrons. Okay? And the 3, minus 3, 2, 1, these are gaining electrons. Okay? Achha, what is the other name of the... ye batao, the last two valence electron is present, to name the element. In the outermost shell, it is having two valence electron. What is the metal? Name the element. I am saying two valence electron present, two electrons are present in outermost shell. Two electrons are present in outermost shell. Helium. Two electrons are present in outermost shell. वो होगा. अब इसके साथ अगर confused, उसने कहा कि two electrons are, only two electrons are present and in the valence shell, that is the helium. कौन कौन सी होती है? इसका नाम क्या है? नोबल गैस और नेम नेम बेटा वैसे तो ये होता है हे नेता अरे कर्मचारी जीरो रन ये हम कम यूज करते हैं. ठीक है? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन रेडॉन. ठीक है? दीज ऑल दीज गैसेस दीज आर द नोबल गैस. नोबल गैस मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट इनर्ट गैस जीरो ग्रुप. इन तीनों का मतलब इनका नाम क्या है? थ्री नेम्स हैं. जीरो ग्रुप क्योंकि दे विल नॉट टेक एनी इलेक्ट्रॉन. जीरो एंटी वैलेंसी इससे इनको जीरो ग्रुप बोलते हैं. इनर्ट बिकॉज दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन. एंड नोबल गैस
अगेन नो पार्टिसिपेशन, नोबल गैस, इनर्ट और जीरो ग्रोथ. क्लियर? ये तीन नाम गिवन होते हैं. बाद में लिखते हैं. ability of metal to be drawn into thin wire is called इसमें से बताओ ऑप्शन. अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन, which option explain the reason for the lead chloride? Copper is less reactive than lead. Lead is less reactive than copper. Lead and copper are equally, and lead is more. इन्होंने ऑप्शन दी है. कॉपर इज मोर रिएक्टिव. नो. लेड इज लेस रिएक्टिव. लेड एंड कॉपर आर इक्वली रिएक्टिव. लेड इज मोर रिएक्टिव. मुझे ऑप्शन विजिबल नहीं मिला. ठीक है, लेड इज मोर रिएक्टिव. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1074 केल्विन, MgCl to 981. Why does sodium chloride and magnesium chloride differ in their melting point? दो कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. दोनों के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं. व्हाई दे आर डिफर इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स? ऑप्शन सुनो. मैग्नीशियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल. सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. सोडियम क्लोराइड हैज स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक बॉन्डिंग देन मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हैज स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक बॉन्डिंग. सी ऑप्शन आयोनिक बॉन्ड के ऊपर है. रिएक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दो चीजें आपस में आयोनिक बॉन्ड ना स्ट्रॉन्ग. हमने आयोनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज करी है कि दीज आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग. तो जिसकी ज्यादा वैल्यू है, जो मेल्टिंग भी कम हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटर आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देम इज स्ट्रॉन्ग. जो मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक नहीं हुए, दैट मीन्स दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का सबसे मेन फीचर ही हमने ये करा है कि दीज आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. एक्स एंड वाई फॉर्म अ कंपाउंड जेड. मैंने पहले भी कराया था ये. एक्स एंड वाई फॉर्म अ कंपाउंड जेड. एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन. तो उन्होंने पूछा है विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, अक्कर एज सॉलिड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आर नॉट शोन बाय एक्स? लो मेल्टिंग पॉइंट आर नॉट शोन बाय द दैट वन, बिकॉज दे फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड. बिकॉज वेन इट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड अदर वन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, देन दे फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वॉटर एज वेल एज हॉट वॉटर? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन. ऑल क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन सेम है सब में सेम है. मेटल्स रिएक्ट एसिड्स. लास्ट आप फिर मुझे यही आंसर आप दो. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. विच फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल? अब तो ऐसे ही बता दो. नाइट्रिक एसिड अभी तो बताया. प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वेन एवर दे विल रिएक्ट विद द एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब उसने कहा कि कौन से एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती? दैट इज द नाइट्रिक एसिड. बस कर. जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर?
Which of the non-metal is the liquid form? Non-metal, sorry. Bromine. Electronic configuration of three elements given as X, Y and Z. इनका उसने कहा है एक्स की है 28, 287, 282. अब क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब ऑप्शन सुन लो, करेक्ट बताना है. एक्स इज अ मेटल, एक्स इज अ मेटल, वाई इज अ मेटल, थर्ड ऑप्शन जेड इज अ नॉन मेटल, फोर्थ ऑप्शन एक्स इज वाई इज अ नॉन मेटल, वाई इज अ मेटल एंड जेड इज अ उल्टा बोल दिया, वाई इज अ नॉन मेटल, जेड इज अ मेटल. वाई इट इज नॉन मेटल, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अदर नेम, अदर नेम इनर्ट. तीन नेम है जीरो, क्योंकि वैलेंसी जीरो होती है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन. मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयरन. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन. Name the type of reaction. Although metals form basic oxide, यही कह रहा है BMO, basic oxide. Which of the following metal form an amphoteric oxide? और एल्यूमिनियम है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मैग्नीशियम मेटल. इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है. इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. स्टीम के साथ और हॉट वाटर के साथ, मैग्नीशियम कोल्ड के साथ नहीं करती, कैलरी नहीं कैल्शियम तक, तीनों दे विल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद द हॉट और द स्टीम. यही गलत है इसमें. सी ऑप्शन थी इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व. फोर्थ ऑप्शन है इट रिएक्ट्स विद द स्टीम टू फॉर्म. हाँ हाँ, मैं वाटर के साथ ना, दोनों में डिफरेंस है. When you are reacting the with water, ठीक है, then it will form magnesium hydroxide. When we are reacting with steam, that time it form oxide. ये ध्यान रखना. Option में कभी भी कोई question हो, when it metal react with the water, it form the hydroxide, whether it is cold or the hot. But when it react with the steam, then it react the form the oxide, not hydroxide. The compound formed in the reaction, oh sorry, on the reaction of iron with steam is Fe2O3. वो दोनों में आ सकता है अगर हाई उसको हम हीट कर रहे हैं. स्टीम के साथ वही बात आ गई ना, स्टीम है तो कम हुई. An element X react with oxygen, एक element X है oxygen के साथ react कर रहा है to give a compound with high melting point. कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वॉटर. द एलिमेंट एक्स इज आयरन, कार्बन, कैल्शियम, सिलिकॉन. कार्बन इज अ नॉन मेटल पुत्र. ये देखो एक्स है और ओ टू है, मतलब ओ है, ओ टू के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना. ये ऑलरेडी नॉन मेटल,
ये तो मैं एक ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस कंपाउंड बनने के लिए ये पॉजिटिव, तो दैट मींस वो मेटल होगा। अब उसने कहा है आयरन कार्बन कैल्शियम एंड सिलिकॉन, आयरन क्यों नहीं, आयरन सोल्यूबल नहीं है,